नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं एंटरटेनमेंट फॉर यू के इस चैनल पे। आज हम किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस नहीं बताएंगे, बल्कि आज हमने आपके लिए देखी है मेहंदी लगा रखना 3। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं मेहंदी लगा रखना 3 के मूवी रिव्यू के बारे में। मूवी कितने तहलका मचा रही सिनेमाघरों में, ये बात करते हैं पहले फिल्म के बारे में, फिर बात करेंगे फिल्म के स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैसा काम किया और बहुत सारी जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। और ये हमारे एंटरटेन फॉर यू का फर्स्ट मूवी रिव्यू वीडियो है, तो जरूर जरूर देखें पूरा। ये बात करते हैं पहले फिल्म के लीड एक्टर के बारे में। तो फिल्म में लीड रोल में है भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार खेसारी लाल यादव, रितु सिंह, और इस फिल्म से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही है एक बहुत ही खूबसूरत सी अदाकारा हैं, जिनका नाम है सहर आपसा। जी हाँ दोस्तों, और फिल्म को लिखा है, फिल्म को डायरेक्ट किया है रजनीश मिश्रा जी ने। इन्होंने ही फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट किया था, लेकिन सेकंड पार्ट इन्होंने डायरेक्ट नहीं किया था, जो कि उतना खास चल नहीं पाया, लेकिन फर्स्ट सेकंड पार्ट भी काफी शानदार था। आइए बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, फिर बात करेंगे फिल्म के एक्टिंग के बारे में। फिल्म की स्टोरी बहुत ही सीधे साधे आदमी की है, जिसका नाम है राजा, और राजा का जो कैरेक्टर है उसे प्ले किया है खेसारी भैया ने। खेसारी अपने पिता से बहुत डरते हैं, उनकी आपस में अनबन होती रहती है बहुत ही मजाकी अंदाज में, और अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच खेसारी के पिता खेसारी के लिए एक रिश्ता लेके आते हैं रितु सिंह का, और खेसारी प्यार करते हैं डॉक्टर से। तो क्या खेसारी अपने पिता से मना कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि खेसारी की माँ चाहती है कि खेसारी की शादी उसी से हो जिससे वो प्यार करते हैं। तो यही इस फिल्म की स्टोरी, क्या खेसारी को उसका प्यार मिल पाएगा या फिर नहीं। आइए बात करते हैं फिल्म के एक्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, खेसारी भैया ने इस फिल्म में 100% अपना काम किया है, बहुत ही शानदार काम किया, वो एक बार फिर से आप सभी को हंसाने में कामयाब रहे, और काफी अच्छा एक्टिंग की उन्होंने। बात करते हैं जो फीमेल लीड है सहर आपसा। सहर आपसा की पहली फिल्म है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, और उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है, लेकिन उनका काम उतना अच्छा नहीं है जितना कि खेसारी भैया का काम है। रितु सिंह का रोल बहुत ही छोटा है और काफी शानदार है, और खेसारी के जो पिता है उनका नाम है अमित शुक्ला। अमित शुक्ला ने फर्स्ट हाफ में तो उतना अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने अपने कैरेक्टर में जान डाल दी और बहुत ही शानदार एक्टिंग की। ओवरऑल फिल्म की जो एक्टिंग है काफी शानदार है, लेकिन खेसारी की जो माँ का रोल है वो भी काफी शानदार है, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है और उनका रोल वहीं खत्म हो जाता है। फिल्म के जो कैरेक्टर है नीलकमल सिंह और अविनाश फतेहपुरी, इन्होंने काफी शानदार काम किया है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो को स्टार है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन के बारे में। अगर बात करें फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिर से एक बार रजनीश मिश्रा जी ने कमाल कर दिया है, जैसे कमाल उन्होंने फर्स्ट पार्ट में किया था जो कि रिलीज हुई थी 2017 में। डायरेक्टर का काम होता है स्टोरी और पब्लिक को कनेक्ट करना, अगर आप ये करने में कामयाब रहते हो तो दोस्तों आपने फिल्म बहुत ही शानदार बनाई है। और इस फिल्म में रजनीश मिश्रा ने काफी शानदार काम किया है, और वो फिल्म को आपसे कनेक्ट कर देंगे। जब फिल्म कॉमेडी के मूड में होगी तो आप हंसोगे, और जब फिल्म रोने के मूड में होगी तो आप भी रोने लगोगे। काफी शानदार काम किया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में और रेटिंग के बारे में। दोस्तों फर्स्ट पार्ट की तरह ये पार्ट भी यानी मेहंदी लगा रखना 3 भी काफी शानदार चलने वाला है, और बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होने वाला है 2020 का। तो ओवरऑल रेटिंग इस फिल्म की है 5 में से 4। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखें, काफी शानदार है, और बहुत टाइम बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म आई है। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।